मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। कलेक्टर संदीप जी आरएसपी सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में भू माफियाओं पर कसा जा रहा शिकंजा। गढ़ी मलहरा में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का चला डंडा। बिल्डिंग के मालिक हरिश्चंद चौरसिया ने तहसीलदार सुनील वर्मा पर लगाए निजी आरोप। शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर चली जेसीबी। भू माफियाओं के खिलाफ गढ़ी मलहरा में बड़ी कार्यवाही। गढ़ी मलहरा क्षेत्र महाराजपुर रोड पर हरिश्चंद चौरसिया की डबल खंड की बिल्डिंग को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। एसडीएम विनय द्विवेदी, तहसीलदार सुनील वर्मा, एसडीओपी कमल कुमार जैन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुश्री सीबी उपाध्याय एवं पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। महाराजपुर से एमपी 7 न्यूज के लिए सुमित चौरसिया। दस्तावेज हमारे 1908 से लेके हैं। ये जमीन जैसे जैसे बिक रही है ना, 1908 में ये नंदी गोरी को नगर सभा गढ़ी मलहरा छतरपुर स्टेट ने दे दी 25 रुपए नजराने पे मकान बनाने के लिए। फिर नंदी गोरी ने ये जगह बेची यूसुफ अली डॉक्टर को। मैंने जो नगर सभा से 60x60 फुट लंबी चौड़ी जमीन ली थी, वह यूसुफ अली को आज बेच दी है और साथ में ये नगर सभा की रसीद भी दे दी है। यूसुफ अली ने ये बाद में जमीन बेची 24/12/1955 को महादेव तना बिंदु चौरसिया को, 24/12/1955 को, जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता प्रभाव में भी नहीं आई थी। इसके बाद 1956 में हमारे दादाजी ने ये दर्ज करवा के 13/3/1956 को इसमें मीटिंग या प्रेसिडेंट की आज्ञा से मकान बनाने की परमिशन ले ली थी। तो हमारा यहाँ कच्चा टपरा बना हुआ था, फिर हमने आगे चल के इस पर पक्का भवन निर्माण किया। ये हमारे दादाजी का 1999 का प्रमाण पत्र, ये हमारे पिताजी का 2002 का प्रमाण पत्र, ये नगर पालिका का 2018 का प्रमाण पत्र, ये नगर पालिका की सेटिस्फाइड कॉपी 1984 के रजिस्टर की सत्यापति। आप क्या मानते हैं इसे प्रशासन की तानाशाही? ये प्रशासन की तानाशाही है, तहसीलदार महोदय का एकदम अपना पर्सनल जो भी कह लो अतिक्रमण है, कुछ नहीं है। 112 साल पुरानी जमीन है। क्या आपसे कोई पैसों की भी मांग की गई थी इस प्रकार से, किसी प्रकार से? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा आरोप मैं नहीं लगा सकता किसी पे, लेकिन उनकी पर्सनली कुछ है हमसे। क्या व्यक्तिगत दोष मानते हैं? हमें कोई टाइम नहीं भी दिया गया। तहसीलदार महोदय ने आदेश 23/12/2021 को पारित किया, वो आदेश हमें 28 तारीख को रात शाम के टाइम पे मिला। 30 तारीख तक उसमें खाली करने का टाइम था। आखिरी नोटिस हमें मिला 31 तारीख को रात को 9 बजे, और उसमें था 1 तारीख को शाम को खाली करना है। हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया गया हम आगे कुछ कार्रवाई कर सकते। इन्होंने उस पर जो आदेश पारित किया उसकी कॉपी भी उस पर डाली ना नेट पे, वो भी आधी अधूरी डाली, पूरी नहीं डाली कि आगे कुछ कर सके। क्या आपने अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया? क्या बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं तुमको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा फांसी पे चढ़ा दो, हमारी जिंदगी तो खत्म कर ही दी आपने, फांसी पे चढ़ा दो, धमकी दे रहे हैं हमें जेल में डालने की। हमारे यहाँ पर तहसीलदार सुनील वर्मा जी के द्वारा अतिक्रमण का केस दर्ज कराया गया और उसमें आदेशित किया गया, विधिवत उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद में ये मकान दुकान शासकीय भूमि बना था, इसको तोड़ा जा रहा है, और इसके अलावा आगे भी और अतिक्रमण है, उसको भी तोड़ेंगे। सर उनके द्वारा कागज भी प्रस्तुत किए गए थे, क्या कागज प्रस्तुत किए गए थे, क्या पूरा मामला था? ये अतिक्रमण में जो दस्तावेज दिए गए थे वो अमान्य थे, इसलिए अतिक्रमण केस बना के उनको जुर्माना भी किया गया, इनको हटाने का नोटिस दिया गया, समय अवधि में नहीं हटाया। तो पूरे हमले में भारी पुलिस, नगर पालिका, CMO, तहसीलदार, SDOP के साथ मिलकर यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, और लगातार ये गलत आरोप है और लगातार तोड़ा जाएगा। जो अतिक्रमण किए सबके तोड़े जाएंगे। धन्यवाद।